देश के साथ हिमाचल प्रदेश में भी लंबी वायरस लगातार विकराल रूप धारण कर रहा है। इस वायरस से प्रदेश में हजारों पशुओं की मौत हो चुकी है। लंबी वायरस से बचाव के लिए सरकार के द्वारा पर्याप्त कदम न उठाने से नाराज पशुपालक किसानों ने आज शिमला में किसान सभा के बैनर तले पशुपालन विभाग के निदेशालय के बाहर प्रदर्शन किया और निदेशक के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन सौंपा और मुआवजे की मांग की। हिमाचल प्रदेश किसान सभा के अध्यक्ष कुलदीप तनवर ने बताया कि ये वायरस 9 जिलों में फैल चुका है और बावजूद इसके सरकार ने इसे महामारी घोषित नहीं किया है। आपको मालूम है कि आजकल हिमाचल प्रदेश में जो लंपी स्किन डिजीज है, जिसे हम शॉर्ट में LST कहते हैं, वो 22 जून से पिछले 2 महीने से ज्यादा पूरे हिमाचल प्रदेश के 9 जिलों के अंदर इस समय फैल चुकी है और जो कल तक रिपोर्ट आई है उसमें 39,005 जो पशु है वो संक्रमित हो चुके हैं और उसमें से 1,313 पशु इस समय मर भी चुके हैं, जो एज पर गवर्नमेंट रिपोर्ट है। किसान सभा का मानना है कि जो संक्रमण है वो इससे कहीं और ज़्यादा है और जो मौतें भी ज़्यादा है, जो अभी एट द डिफरेंट लेवल रिपोर्ट नहीं हुई है। आज हम ये पशुपालन निदेशालय में इसलिए आए हैं कि इतनी बड़ी समस्या के बावजूद भी 9 जिलों में ये बीमारी फैल चुकी है, भारतवर्ष के 9 राज्यों के अंदर भी इस समय इसका संक्रमण फैला है, मगर हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको अभी तक महामारी घोषित नहीं किया। और अभी हाल ही में विधानसभा के अंदर माननीय मंत्री महोदय ने ये अनाउंसमेंट की थी कि जिनका भी अगर किसी के पशु की मौत होती है तो उसको डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत ये 30,000 रुपये का कंपनसेशन दिया जाएगा, पर उसके बारे में जो पिछले कल तक की हमारे पास रिपोर्ट है उसमें कोई भी अभी तक किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला, इसकी कोई नोटिफिकेशंस नॉर्म्स तय नहीं हुए। सबसे पहला मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि अभी जो वैक्सीनेशन है वो इसमें विभाग का मानना है कि ये 3 लाख प्लस का इनका जो प्रपोजल है, प्लान है, मगर उसके अंतर्गत अभी वैक्सीनेशन केवल 88,000 के करीब हुआ है और इसमें लोग बड़े भयभीत हैं जो पशुपालन के साथ जुड़े हुए हैं। तीसरा, अभी जो इसमें सिम्प्टोमेटिक जो बीमारियां इसके साथ होती है, क्योंकि एंटीवायरल ड्रग ये कैप्रोपॉक्स वायरस से ये बीमारी पशुओं के अंदर होती है, पर इसके लिए तो कोई वैक्सीन नहीं बनी, पर जो गोट पॉक्स के लिए जो वैक्सीन है उसका इस्तेमाल हो रहा है, मगर इसमें जो अन्य किस्म के जो लक्षण आते हैं उसे निपटने के लिए जो ये दवाइयां होती हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, इंजेक्शंस हैं, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है और उसका जो सीधा एक जो प्रभाव है वो उन पीड़ित परिवारों के ऊपर पड़ रहा है जिनके पशु बीमार हैं, पशु मर रहे हैं, जिनका दूध बंद हो चुका है या इस समय मार्केट के अंदर नहीं जा रहा है। इन समस्याओं के साथ साथ अभी तक सरकार ने इसमें पर्याप्त मात्रा में, जो हमने एक डायरेक्टर महोदय को कुछ दिन पहले यह सुझाव दिया था कि इसमें एडिशनल इसमें रिक्रूटमेंट होनी चाहिए वेटरनरी फार्मासिस्ट की, डॉक्टर्स की, और इसमें अतिरिक्त दवाइयों का इंतजाम होना चाहिए, गाड़ियों का होना चाहिए, वो नहीं हुआ। इन सब मुद्दों को लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री को डायरेक्टर महोदय के माध्यम से अभी एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स 16